हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन टेन मिनट्स आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है और पॉलिटिकल साइंस में हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ने की क्यों जरूरत होती है साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ओवर द टाइम इसका डेवलपमेंट किस तरह होता है हमारे पॉलिटिकल साइंस में तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को कंपेरेटिव पॉलिटिक्स समझने से पहले हम कंपेरिजन का मतलब समझेंगे कंपैरिजन का मतलब होता है जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों को एक कैटेगरी में रखकर रैशनल बेसिस पर उसके बीच सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ की स्टडी करते हैं साथ ही साथ उस कंपैरिजन से हम कोई रूल नॉर्म्स या कॉमन टेंडेंसीज क्रिएट करते हैं तो यही यही पूरा जो प्रोसेस है वो कंपेरिटिव मेथड कहलाता है जनरली हमें कंपेरेटिव मेथड का यूज़ साइंस में देखने को मिलता है क्योंकि साइंस के लेबोरेटरीज में डिफरेंट एलिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करके कंपेरेटिव एनालिसिस किया जा सकता है लेकिन जब हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं तब डिफरेंट एलिमेंट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं किया जा सकता फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में ये स्टडी करना चाहते हैं कि इंडिया के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा बेटर है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज़्यादा बेटर है तो इसके लिए हम रातों रात तो पूरा सिस्टम चेंज नहीं कर सकते ना तो इसीलिए हम उन सारे सोसाइटीज़ की स्टडी करते हैं जहाँ जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और वो सारे फैक्टर्स और वो सारे एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं जो इंडियन कंटेक्स्ट में रेलिवेंट हो और इसी कम्पेरिटिव बेसिस पर हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं हम एक अनुमान लगाते हैं इंडियन कंटेक्स्ट के लिए तो ये था कम्पेरिटिव मेथड जहाँ डिफरेंट एलिमेंट में कंपेरिजन के थ्रू हम कंक्लूज़न तक पहुँचते हैं जब हम पॉलिटिकल साइंस में कंपेरेटिव मेथड या कम्पेरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ओवर द टाइम डिफरेंट स्कॉलर्स ने इन वर्ल्ड के डिफरेंट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए कॉज और इफ़ेक्ट की स्टडी करना शुरू किया जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कम्पेरेटिव स्टडी को फोकस किया गया जहाँ पर डिफरेंट नेशंस और कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम की कंपेरेटिव स्टडी की गई जहाँ एक जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पाए जाते थे फॉर एग्जांपल, उन देशों के पार्टी सिस्टम की कंपैरेटिव स्टडी की गई जहाँ एक जैसा पार्टी सिस्टम था साथ ही साथ उन देशों के भी प्राइम मिनिस्टर के पावर की कंपैरेटिव स्टडी की गई जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम था साथ ही साथ हम अमेरिकन जो फेडरल सिस्टम है उसकी कंपैरेटिव स्टडी इंडियन इंडियन फेडरल सिस्टम से भी करते हैं तो इस तरह का जो कंपेरेटिव एनालिसिस है वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन में हमें देखने को मिला लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ पे मैंने जितने भी कंपैरिजन की बात की है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीच के कंपैरिजन की बात की है तो जब भी हम कभी डिफरेंट कंट्रीज़ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और स्ट्रक्चर के बीच कंपैरिजन करते हैं तब हम उसे कंपैरेटिव गवर्नमेंट कहते हैं और इस तरह के मेथड का यूज़ हम एशियन टाइम से एरिस्टोटल के टाइम में एरिस्टोटल की राइटिंग में भी हम इस तरह के कंपैरिजन को देखते हैं जहाँ एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरेटिव स्टडी की थी और उस बेसिस पर उसने अच्छे शासन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे इसलिए हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं लेकिन अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो पॉपुलेशन बढ़ चुका है 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ का एमरजेंस हो चुका है तो मॉडर्न टाइम पर जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो वर्ल्ड में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं जिसमें हमने देखा एशिया में जापान इंडिया चाइना जैसे इकोनॉमिक पावर का एमरजेंस हुआ है यूएसएसआर जैसे कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हुआ है कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी के आइडियोलॉजी को ब्रॉडली एक्सेप्ट किया गया है इंटरनेट वायरलेस टेक्नोलॉजी के स्प्रेड से ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो बहुत तेजी से बढ़ा है तो वर्ल्ड के इन सारे इवेंट का रिजल्ट ये हुआ कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे पॉलिसी मेकर्स थे उन्हें एक नई एरिया ऑफ स्टडी मिली जिससे नए नए डिबेट्स भी सामने आए इसमें कुछ डिबेट इस तरह हैं जैसे वर्ल्ड का कोई पर्टिकुलर हिस्सा इतना वेल्द क्यों होता जा रहा है या लोकतंत्र कुछ देशों में ही सक्सेसफुल सकसे, क्यों है दूसरे में क्यों नहीं है या फिर जो नेशनलिज्म की जो भावना है क्या वो एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट कर रही है या डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के बीच जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट कर रही है या जो न्यू कम्युनिकेशन के मीडियम हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या वो डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही है फिर हमने देखा कि इस तरह के डिबेट शुरू हुए जिसमें ये क्वेश्चन किया गया कि पॉलिटिकल वायलेंस क्यों होते हैं या इतने कॉन्फ्लिक्ट का क्या कारण है क्या इसका रीज़न पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनकॉलिटीज़ हैं या बैड गवर्नमेंट है या क्लैश ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन है तो इस तरह के जो डिबेट्स थे वो पॉलिटिकल साइंस में उठने लगे ठीक है तो ये जो था हमने देखा कि सब्जेक्ट में नए नए क्वेश्चन एमर्ज हो रहे थे नए नए डिबेट एमर्ज हो रहे थे और फिर ये क्वेश्चन उठा कि ये सारे डिबेट्स ये सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन किस तरह करेंगे और इस तरह ये सारे डिबेट्स जो थे ये सारे जो क्वेश्चन थे वो एक बैकग्राउंड बनाते हैं एक नए तरह की स्टडी की क्योंकि इस मॉडर्न टाइम में केवल डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच के कंपैरेटिव स्टडी करके हम इन डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढ सकते थे इस तरह मॉडर्न टाइम में हम डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब राजनीतिक प्रक्रियाओं की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि डिफरेंट सोसाइटी अपने प्रॉब्लम्स को किस तरह टैकल कर रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो डिफरेंट जो नॉर्म्स होते हैं वैल्यूज़ होते हैं पॉलिटिकल साइंस के जैसे इक्वालिटी लिबर्टी फ्रीडम इसे कैसे एकोमोडेट कर रहे हैं और इस तरह की कंपेरेटिव स्टडी डिफरेंट कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में की जाती है साथ ही साथ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में डिफरेंट कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी का लेवल चेक करने के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं जैसे वहाँ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का लेवल क्या है वोटिंग बिहेवियर कैसा है रिप्रेजेंटेशन का लेवल क्या है और इस तरह इन सारी चीज़ों की इन डेप्थ स्टडी की जाती हैं और चीज़ें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं यहाँ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लेवल चेक किया जाता है डिफरेंट सोसाइटीज़ के पॉलिटिकल कल्चर की स्टडी की, की जाती है ताकि हम वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस को और डीपली समझ सकें और इन सारी स्टडीज़ के थ्रू हम पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो इस तरह हमने देखा कि मॉडर्न टाइम में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स केवल इंस्टीट्यूशन के कंपैरेटिव स्टडी तक सीमित ना होकर पॉलिटिकल प्रोसेस के कंपैरेटिव स्टडी तक एक्सटेंड हो चुका है अब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे बेसिकली कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में हमें टू टाइप्स के व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते हैं फर्स्ट इज ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट एंड सेकेंड इज मॉडर्न व्यू पॉइंट तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है वो बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर फोकस करता था जिसमें हमें एरिस्टोटल जो हमें एरिस्टोटल की राइटिंग मैकियावेली की राइटिंग मॉन्टेस्क्यू की राइटिंग में देखने को मिलता है वहीं अगर हम मॉडर्न व्यू पॉइंट देखें तो मॉडर्न व्यू पॉइंट जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करता है डिफरेंट सोसाइटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में जितने भी आ, प्रोसेस हैं पॉलिटिकल प्रोसेस हैं उनकी कंपेरेटिव स्टडी की बात करता है जो हमें आर सी मैक्रोडीज सिडनी वर्बा गैब्रिल आमंजन पावल की राइटिंग्स में हमें देखने को मिलती हैं तो आइए इन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को हम डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स हमें एरिस्टोटल मैकेवली मॉन्टेस्की की राइटिंग में देखने को मिलता है अगर हम एरिस्टोटल की राइटिंग को देखें तो हमें एरिस्टोटल की राइटिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है जहाँ पर वो डिफरेंट गवर्नमेंट की स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल क्यों होता है क्यों उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्रांतियाँ हो जाती है और इसी बेसिस पर वो सिक्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हैं और मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया देते हैं इसके बाद हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी को मॉडर्न एज में मैकेवल की राइटिंग में ट्रेस कर सकते हैं जहां वो अपनी राइटिंग आर्ट ऑफ गवर्नमेंट में कंपैरेटिव स्टडी करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया जाए कि वहाँ के लोग जो हैं वो बेटर वे में रूल हो सकें और इस बेसिस पे वो गवर्नमेंट के टू फॉर्म बताते हैं फर्स्ट इज़ आइडल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड इज़ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये जो क्लासिफिकेशन है मैकेवली वो लोगों के कैरेक्टर के बेसिस पे करते हैं मैकेवली का मानना है जहाँ के लोग गुड कैरेक्टर के हों वाइज हो इंटेलिजेंट हो वहाँ रिपब्लिकन गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नमेंट होगी वहीं जहाँ के लोग बुरे हों सेल्फिश हों लालची हों तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो मना के रूल जो होगा वो बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म होगा ट्रेडिशनल कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में मैके के बाद गवर्नमेंट सिस्टम के क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मॉन्टेस्क्यू का आता है मॉन्टेस्क्यू ने अपनी फेमस राइटिंग द स्पिरिट ऑफ लॉज में गवर्नमेंट के क्लासिफिकेशन टू बेसिस पे किया था फर्स्ट इज नेचर ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर नेचर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि पावर किसके हाथ में है राजा के हाथ में है या लोगों के हाथ में है वहीं प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट किस प्रिंसिपल से काम कर रही है सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रही है या पीपल्स के इंटरेस्ट में काम कर रही है और इसी बेसिस पर मॉन्टेस्क्यू ने थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताए हैं फर्स्ट इज़ रिपब्लिक गवर्नमेंट सेकेंड इज मुना गवर्नमेंट एंड थर्ड इज डेस्पोटिक गवर्नमेंट इसके बाद मॉन्टेस्क्यू रिपब्लिकन गवर्नमेंट को भी टू टाइप में क्लासीफिकेशन uh, करते हैं फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज एरिस्टोक्रेसी तो इस तरह हमने देखा कि एशियन टाइम से ही डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस का यूज़ कर रहे थे गवर्नमेंट की स्टडी करने के लिए तो इस तरह हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट समझा जो कि गवर्नमेंट का का जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन थे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था उस पर फोकस करता था अब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मॉडर्न व्यू पॉइंट को देखेंगे जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पॉलिटिक्स में हमें कई चेंजेस देखने को मिल रहे थे जैसे न्यू नेशन स्टेट का इमरजेंस हो रहा था नए नए पॉलिटिकल्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स का इमरजेंस हो रहा था इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो इन सारे क्वेश्चन को इन सारे प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल कम्पेरेटिव स्टडी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी फॉर्मल थी और इंस्टीट्यूशन की स्टडी तक सीमित थी तो ऐसे में मॉडर्न टाइम में हमें कई इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स और उनकी राइटिंग्स देखने को मिलती हैं जैसे आर सी मैक्रोडीज सिडनी वल्बा आमिन इन पावल जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में इम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल मैथड को इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस पे फोकस किया जाने लगा था स्टडी के दायरे को यूरोप तक लिमिटेड ना रखकर एशिया अमेरिका लैटिन अमेरिका जैसे देशों की स्टडी पर भी फोकस किया जाने लगा था अब करंट टाइम में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है जहां हमें यूरोपियन के साथ साथ नॉन यूरोपियन देशों की स्टडी भी देखने को मिलती है जहां डिफरेंट इंस्टीट्यूशन व पॉलिटिकल प्रोसेस की इंक्वायरी की जाती है ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की स्टडी की जा सके डिफरेंट डाटा टेक्निक टूल्स ये सारी चीज़ों का यूज़ करके एक्यूरेट कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके नए नए थ्योरी को भी डेवलप किया जा चुका है अब कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि प्रेजेंट टाइम के कॉम्प्लेक्स इवेंट को समझने के लिए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल डेवलपमेंट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जैसे टेंडेंसीज की स्टडी की जा रही है ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस को अच्छे से समझा जा सके और न्यू थ्योरी का डेवलपमेंट किया जा सके अगर मैं मॉडर्न टाइम के डिफरेंट स्टडी के मेथड्स की बात करूं तो यहाँ पर एनालिटिकल इम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज़ किया जाने लगा है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जगह पर पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी पर फोकस किया जाने लगा है जहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है पॉलिटिकल पार्टी हुआ या इंटरेस्ट ग्रुप हुआ ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग को प्रभावित कर रही है तो इन सारी चीज़ों की स्टडी चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या इंटरेस्ट ग्रुप हो इनकी भी स्टडी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलती हैं मॉडर्न टाइम पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ किए जाने लगा है जैसे सोशल साइंसेज इकोनॉमिक्स लाइफ साइंसेज जूलॉजी ये सारे डिफरेंट uh, uh, जो डिसिप्लिन है इसे डिफरेंट थ्योरी का यूज़ पॉलिटिकल साइंस में किया जाने लगा है डिफरेंट मेथड का यूज़ किया जाने लगा है जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है या इनपिट इनपुट आउटपुट जो मॉडल है ये सारे जो मैथड हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट से लिए गए हैं जिसका यूज़ हमने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के एनालिसिस में किया है जिसका रिज़ल्ट हमें देखने को ये मिला कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड होने लगा जिसमें न्यू ब्रांचेस भी हमें देखने को मिलने मिलने लगे हैं जैसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हुआ पॉलिटिकल साइकोलॉजी हुआ ये सब क्यों आया नए ब्रांचेस क्यों आए क्योंकि हमने इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया और डिफरेंट जो डिसिप्लिनस थे उसकी थ्यूरी का यूज़ किया डिफरेंट डिसिप्लिनस के आइडियाज़ का यूज़ किया पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी के लिए जिसने न्यू न्यू ब्रांचेस को जन्म दिया इस तरह हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझा कंपैरेटिव मेथड को समझा ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू पॉइंट देखे और देखे, देखा कि ओवर द टाइम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी में किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में टिल देन बाय एंड कीप लर्निंग